कपास की सफेद मक्खी 1.5 मिलीमीटर लंबा कीड़ा है जो उमूमन कपास में शुरू से आखिर तक मौजूद रहता है और खुश्क मौसम में इसका हमला ज्यादा होता है। सफेद मक्खी पौधों से रस चूस लेती है जिससे पौधा बेजान हो जाता है। मक्खी रस चूसने के बाद एक लेसदार मादा खारिज करती है जो पौधों पर स्याह फफूंदी के लगने का सबब बनता है जिससे पौधे काले हो जाते हैं। ये फफूंदी पौधों की खुराक बनाने की सलाहियत में खातर ख्वाह कमी का बायस बनती है। हमला शुदा पौधों में टींडे को बनाने और बरकरार रखने की सलाहियत में नुमाया कमी आती है। सफेद मक्खी एक नहायत ही खतरनाक कीड़ा है जो 100 से ज्यादा फसलात को शदीद नुकसान पहुँचाता है। सफेद मक्खी का नर मादा से छोटा होता है। सफेद मक्खी की 1 साल में 5 नस्लें हो सकती हैं। मादा पत्तों के निचली जानी अंडे देती है और अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उन्हें क्रॉलर्स कहते हैं। ये कुछ अरसे पौधों पर हरकत करते हैं और इसके बाद गिजा हासिल करके लेसदार मादा खारिज करते हैं जो स्याह फफूंदी का सबब बनती है। दो दिन के बाद क्रॉलर्स दूसरे मरहले में दाखिल हो जाते हैं और इसके बाद ये दो और हालतें बदलते हैं। चौथा और पांचवा मरहला आपके सामने है। इसके बाद ये प्यूपा की शक्ल इख्तियार करते हैं और ऐसे में खुराक लेना बंद कर देते हैं। प्यूपा में बालिग मक्खी नजर आ रही है। और अब मुकम्मल सफेद मक्खी आपके सामने है। ये अमल 17 से 73 दिनों में मुकम्मल होता है और गर्मियों में ये अमल खातर ख्वाह तेज हो जाता है। अगर एक पौधे पर 10 बालिग सफेद मक्खियां नजर आती हैं, तो समझ लें कि तकरीबन 50 बच्चे यहाँ मौजूद होंगे। याद रखें, सफेद मक्खी के बच्चे बालिग से ज्यादा कपास को नुकसान पहुँचाते हैं। सफेद मक्खी का बेहतरीन हल बायर की नई केमिस्ट्री मोविंटो। मोविंटो, दो हाथ से बार पैदावार की बहार। सरायत पजीरी क्या है? जब हम कीड़े मार जहर में सरायत पजीरी की बात करते हैं तो हमारा मकसद असल जहर का पौधे में मुंतकिल होना, असल जहर की फराहमी और मुनासिब तकसीम होता है। मसलन पत्तों के स्प्रेशुदा हिस्सों से गैर स्प्रेशुदा हिस्सों तक मुंतकली पत्तों में नीचे से ऊपर जाइलम के जरिए होती है। पत्तों तक पानी जड़ों के जरिए पहुंचता है और यूं मुसलसल नीचे से ऊपर तक रसाई जारी रहती है। आज से पहले सरायत पजीरी जरई जहर में सिर्फ एक तरफ से मुमकिन थी। मोविंटो, दो हाथ से बार पैदावार की बहार। दोहरी सरायत पजीरी क्या है? जाइलम के साथ साथ पौधों में मुंतकली का एक और निजाम भी मौजूद है जिसे फ्लोएम कहते हैं। वो तवानाई जो पत्तों में खुराक बनाने के अमल के दौरान हासिल होती है उसे सक्रोज कहते हैं। ये तवानाई पत्तों, कलियों, फलों और नई बनने वाली जड़ों तक पहुंचती है
लिहाजा अब हमारे पास है तरसील का दो तरफा निजाम जो दो सिमतों में अमल करता है, यानी पत्तों से पत्तों तक और नीचे की जानिब यानी पत्तों से जड़ों तक। बायर का मोवेंटो इसी निजाम को बुरोएकार लाता है जो जरई जहर के लिए अनोखी दरियाफ्त है और ये सलाहियत मोवेंटो के अलावा किसी और जहर में नहीं है। मोविंटो, दो हाथ से बाद पैदावार की बहार। पत्तों से पत्तों तक ये साबित करने के लिए कि ये जहर पत्तों से पत्तों तक मुंतकिल होता है, हमने छोटे पौधों पर मोविंटो आजमाने के लिए सिर्फ एक बड़ी उम्र के पत्ते पर असल जहर स्प्रे किया। फिर स्प्रे शुदा पत्ते पर रस चूस कीड़ों को छोड़ा। नताइज बड़े हौसला अफजा और वाजे रहे। गैर स्प्रे शुदा पत्ते रस चूस कीड़ों का शिकार हो गए। लेकिन मोविंटो से स्प्रे शुदा पौधे का न सिर्फ मखसूस पत्ता बल्कि वो पत्ते जिन पर बराह रास्त स्प्रे ना किया गया हो वो भी रस चूस कीड़ों से महफूज रहते हैं। अगर आप यही तजुर्बा मुतासरा पौधों पर करें, यानी एहतियाती तौर पर नहीं बल्कि कीड़ों के कंट्रोल के लिए, तो नतायज ऐसे ही मिलेंगे। गैर स्प्रे शुदा पौधे कीड़ों से मुतासिर हुए और मोविंटो स्प्रे शुदा पौधे में पत्तों से पत्तों तक असल जहर बखूबी मुंतकिल हुआ। हत्ता के ऊपरी सतह पर मौजूद जिन पत्तों पर रस चूस कीड़े होंगे उन्हें भी कंट्रोल हासिल होगा। आइए रस चूस कीड़ों के नुकसान पहुंचाने का अंदाजा गैर स्प्रे शुदा पत्तों से करते हैं। अगर मुख्तसर सी मोविंटो की मिकदार भी पौधों पर स्प्रे की जाए तो वो भी पौधों में तेजी से मुंतकिल होने की सलाहियत रखती है, जो इसकी बड़ी कामयाबी है। मौजूदा सरायत पजीरी का मयार चाहे किसी पैमाने पर परखा जाए, मार्केट में दस्तयाब प्रोडक्ट्स इस ट्रायल में किसी भी तरह के मुस्बत नतायज देने से कासिर हैं। ये पौधे में मौजूद असल जहर का रेडियोग्राफ है जिसमें मोविंटो स्प्रे शुदा और बगैर स्प्रे शुदा पत्तों को दिखाया गया है। हत्ता के नया बनने वाला पत्ता भी मोविंटो के बायस रस चूस कीड़ों से महफूज है। मोविंटो, दो हाथ से बाहर पैदावार की बहार। कपास और सब्जियों जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, सलाद पत्ता वगैरह में नौ उम्र पत्तों तक असल जहर नहीं पहुंच पाता और यहीं पर कीड़े नीचे की जानिब छुप जाते हैं और इन पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है। मोविंटो के आने के साथ ही कीड़ों के अच्छे दिन खत्म हो गए। मोविंटो न सिर्फ पत्तों के बैरूनी अतराफ में बल्कि अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचकर असर दिखाता है, इसलिए कीड़ों के छुपने का खेल अब खत्म हुआ। मोविंटो, दो हाथ से बाहर पैदावार की बहार। पत्तों से जड़ों तक फ्लोएम तैयार शुदा खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ऐसे मकाम पर जहां तवानाई दरकार है, यानी जड़ों तक भी तवानाई फ्लोएम के जरिए पहुंचती है। मोविंटो नशोनुमा पाने वाली जड़ों के किनारों तक पहुंचता है, यानी ऐसे पौधे जहां बराह रास्त स्प्रे की पहुंच मुमकिन नहीं, वहां भी मोविंटो अपना काम दिखाता है। फील्ड ट्रायल से ये बात वाजे हुई, बढ़ते हुए पत्तों और जड़ों पर छुपे रस चूस कीड़ों के कंट्रोल के लिए मोविंटो का दो तरफा असर बेहतरीन है।
इसकी मुनफरद दो तरफा सरायत पजीरी की खासियत और असर अंगेजी से मुश्किल से कंट्रोल आने वाले रस चूस कीड़ों का खात्मा यकीनी होता है, चाहे वो सफेद मक्खी और इसके बच्चे ही क्यों ना हो। सफेद मक्खी के खिलाफ बेहतर और देर पा नतायज के लिए मोविंटो को बेहतर अंदाज में स्प्रे करें। मोविंटो 125 मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर बायो पावर मिलाकर स्प्रे करें और 7 दिन बाद स्प्रे दोहराएं। स्प्रे में पानी की फी एकड़ मिकदार 120 से 150 लीटर इस्तेमाल करें। कपास की फसल में सुबह या शाम के औकात में स्प्रे करें। स्प्रे करते वक्त होलो कोन नोजल इस्तेमाल करें। हर कतार पर यकसां स्प्रे करें। बेहतरीन नताइज देखने के लिए दूसरे स्प्रे के 4 दिन बाद खेत का मुआयना करें। मोविंटो, दो हाथ से बाहर, पैदावार की बहार।